सर वही बात करने में मतलब हिचकिचाहट सी होती है। तो अब आप मैं क्या क्या चाहते हो, मैं लव गुरु बन जाऊँ मतलब? मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पे हिचकिचाहट सी होती है, ऐसा क्यों होता है? उसी को समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? अब रुक जाओ, ठीक है बात करें ना हम, अपना बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। आप यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मैं आपके लिए हूँ, ठीक है? डेट पे हम नहीं, अब सीरियसली तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम किसी लड़की से बात करते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं? लड़कों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं, लौंडे खड़े हैं चार पांच, बातें चल रही हैं इधर उधर की। मतलब लड़कियों के बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे बात करने में दिक्कत होती है, राइट? यही चैलेंज है जी सर। तो ऐसा क्यों होता है सर? मैं वही आपसे, अरे नहीं मैं नहीं बताऊं, ये गड़बड़ हो जाएगी। मिलके डिस्कवर करेंगे, मिलके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ होता है? हाँ होता है। क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? सर मैं चाहता हूँ बातचीत करूँ, बात आगे बढ़े, फ्रेंड बने। तो सर गलत मीनिंग नहीं है मेरी? नहीं गलत की मैं भी बात नहीं कर रहा। हाँ मैं समझ गया, मतलब आप सिंपल एज अ फ्रेंड किसी से बात करना चाहते हो, लेकिन उसमें कॉन्शियस हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है, क्यों हम बात करने में कॉन्शियस होते? कोई और बताना चाहेगा, इनकी हेल्प करना चाहेगा, जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा होता हो? इनके साथ में जो बैठे हैं उनको देना माइक। हाँ आप भी खड़े हो जाओ। हाँ बताओ। फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन, कि वो रिजेक्ट कर देगी? लेकिन आप उसको प्रपोज थोड़ी कर रहे हो, आप तो बात कर रहे हो। सर अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में तो उससे क्या हो जाएगा? वो बोल देगी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे बात करने में, हमारी तो इंसल्ट होगी ना फिर। अरे यार अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इंसल्ट की डेफिनेशन को ठीक करो। इंसल्ट होती है कि जहाँ पे आपने कुछ किया और दुनिया को उसके बारे में पता लग गया, दैट इज एन इंसल्ट। उस लड़की से ना तो आप दोबारा मिलने वाले हो, जिसने मना ही कर दिया वो तो दोबारा आपसे कभी मिलेगी भी नहीं। सर अपनी फ्रेंडों को तो बताएगी। आपको पता है, किसी और को थोड़ी पता है। अपनी फ्रेंडों को तो बताएगी ना सर। ये एक नई कॉम्प्लिकेशन है। अपनी फ्रेंडों को तो बताएगी, एक मिनट रुक लो। अगर किसी ऐसी लड़की को आप अप्रोच करो जो आपको जानती ही नहीं है, बातचीत ही तो कर रहे हो और किसी ऐसी टॉपिक के बारे में बात करो, मैं कुछ और तो नहीं बनता जा रहा हूं ये सॉल्यूशन निकालते निकालते। अबे यार क्या बना रहे हो। बट वैसे मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि हमारे अंदर एक झिझक है बात करने की, है ना? तो आप उसको प्रपोज नहीं कर रहे हो, सीधा ही प्रपोज थोड़ी कर दोगे किसी को जाकर के, मुझसे शादी करोगी भैया तुम्हारा नाम क्या है? आप उससे बात ही तो कर रहे हो, बात करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप कहीं पे जा रहे हो, किसी रास्ते के बारे में आपको नहीं पता, किसी से रास्ता पूछ रहे हो, जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो और पूछ रहे हो किसी से कि आप एक्सक्यूज मी, बड़े तमीज से कि ये कहाँ पड़ेगा जो मुझे जाना है, तो वो क्या रिजेक्ट करेगी वहां पर, क्या इंसल्ट होगी वहां पर? और अगर इसकी आप प्रैक्टिस करने लग जाओ तो अभी प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो पता है क्या है, कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है फीमेल से बात करने की, तो वो हमको भूत प्रेत की जैसी लगती है, मतलब एक एलियन की जैसी है बहुत लोग। ये फैक्ट है, मैं सच कह रहा हूँ, जो बहुत लड़कों के लिए इंडिया में फीमेल से बात करना मतलब के पता नहीं क्या एक हुआ है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब आंसर भी मिल रहा है। हाँ एक मिनट, सही जगह से आंसर आ रहा है, एक मिनट रुकना, माइक लेकर के बोलना। बस गर्ल्स को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। बार बार से दिखाने के लिए नहीं, अंदर से एक्चुअल में आपके अंदर रिस्पेक्ट है उनकी, जिनसे भी आप बात करने वाले हो, चाहे वो अनजान है लेकिन बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े अच्छे से, तमीज से आप बात कर रहे हो उनसे, तो दो ही चीजें होंगी, या तो वो मना कर देगी कि नहीं मुझे नहीं पता रास्ते के बारे में, या वो आपको बता देगी। तो जब बताएगी तो बताते बताते थोड़ी बहुत तो बात होगी ना, तो वहां से थोड़ा तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है ना। तो जब इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तब आप औरों से भी बात कर पाओगे। अरे कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लो यार जो सिर्फ लड़कियां करती हैं, अपने आप ही आप अलग बन जाओगे एक महीने। मेकअप का कोर्स करो ना, वहां पे 90% फीमेल्स होंगी। साइलेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके, साइलेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। नहीं सही कह रहे हैं, मतलब कोई बुराई नहीं है, है ना? वहां पर सोचो कि मतलब सिर्फ 50 फीमेल्स हैं और एक अकेले आप मेल हो, या दो तीन मेल्स हैं,
खुशी की लहर दौड़ गई है जिंदगी में, अल्लाह फिर तो कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा, फिर तो आप सीधा जा करके कह सकते हो बजाय के नहीं 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 नहीं, नॉट वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, वुड यू लाइक मी टू डू योर मेकअप, ठीक है जवाब मिल गया आपको दोनों को इसका, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम, थैंक यू सो मच।